हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम मानसिंह राठौर है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब डीमैट अकाउंट में फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट करने के लिए जाते हैं, उस समय हमें इनकम प्रूफ अपलोड करना रहता है। ये दोस्तों सेबी का रूल है कि जब आप इनकम प्रूफ अपलोड करेंगे तो उसको वेरीफाई किया जाएगा, तभी आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट इनेबल होगा, तभी आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको इनकम दिखानी पड़ती है कि हाँ मैं पैसा कमाता हूँ और मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकता हूँ क्योंकि मेरी इनकम है। तो यहाँ पर सेबी पहले देखता है कि जिन लोगों की इनकम है उन्हीं लोगों को वो ट्रेड करने देता है फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे एक सब्सक्राइबर हैं तो उन्होंने कमेंट किया है और वो मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं। तो इनका नाम है विवेक कटारिया और ये पूछ रहे हैं, सर FNO इनेबल करने के लिए 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट नेसेसरी है, लेकिन कोई न्यू ओपन बैंक अकाउंट हो तो? अब काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो अपने बैंक अकाउंट नया ओपन करते हैं डीमैट अकाउंट में लगाने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में वो 6 महीने की बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट नहीं लगा सकते क्योंकि वो निकालेंगे कहाँ से। और ऐसा होता नहीं है कि आपका कोई पहले से बैंक अकाउंट है, आप उसकी स्टेटमेंट यहाँ पर लगा दो। कहने का मतलब ये कि जो आपने डीमैट अकाउंट में बैंक अकाउंट लगाया है उसी बैंक अकाउंट की आपको स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। तो ऐसे में आपके लिए क्या ऑप्शन निकल के आ रहे हैं अब हम देखते हैं। तो दोस्तों आपका डीमैट अकाउंट किस कंपनी में है कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मेरा यहाँ पर मोटा मोटा अंदाज़ा लगे कि मेरे सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा कौन सा डीमैट अकाउंट यूज करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर एंजल वन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हम देखेंगे कि एंजल वन में कौन सा प्रूफ अपलोड करके हम अपना FNO सेगमेंट एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों FNO एक्टिवेट करने के लिए हम इधर जाएंगे, प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों अभी ये स्क्रीन है तो शायद ब्लैक हो गई होगी क्योंकि यहाँ पर मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो ये डीमैट अकाउंट इसको रिकॉर्ड करने की परमिशन नहीं देता, तो हो सकता है कि अभी आपको ब्लैक दिख रहा होगा। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि इधर एक कॉर्नर पर प्रोफाइल मतलब कि MR लिखा है। अगर आप फोटो लगा रहे होंगे तो यहाँ पर फोटो आ रहा होगा, तो आपको इधर कॉर्नर पर क्लिक करना है तो आपका नाम डल के आएगा और आपकी सारी जानकारी आएगी। तो आपको नीचे जाना है, सबसे नीचे इसमें लिखा है डेरिवेटिव ट्रेडिंग और सामने लिखा है एक्टिवेट, और डेरिवेटिव ट्रेडिंग के नीचे लिखा है FNO कमोडिटी करेंसी। ठीक है, खैर मैं इसका फ़ोटो लगा दूंगा तो आप देख सकते हैं। तो आगे अभी एक्टिवेट पर मैं क्लिक करूँगा, अब शायद आपको स्क्रीन दिखने लगी हो। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आ रहा है फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट आपको एक्टिवेट करना है करेंसी कमोडिटी। तो आपको जो एक्टिवेट नहीं करना है आप उस पर अनटिक कर देंगे या फिर जो आपको एक्टिवेट करना है उस पर टिक कर देंगे। फिलहाल मैं सही पर राइट लगा देता हूँ क्योंकि ये चीज़ें मुझे बाद में एक्टिवेट करनी पड़ सकती हैं। तो फिर इसके बाद दोस्तों ये नीचे आता है, ये आपको टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करना पड़ेगा। इसके बाद प्रोसीड टू एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे। अब आ रहा है डॉक्यूमेंट टाइप, मतलब कि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें ऑप्शन किस किस चीज़ का मिल रहा है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं अकॉर्डिंग टू एंजल वन, मैं आपको बता रहा हूँ अभी अप स्टॉक में क्या लगता है या फिर बाकी के डीमैट अकाउंट में क्या लगता है वो भी अभी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला इसमें ऑप्शन यही है कि आप 6 महीने की बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट लगा सकते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट न्यू है तो ये तो आपके पास नहीं है, तब आप क्या कर सकते हैं डीमैट अकाउंट की होल्डिंग्स लगा सकते हैं। मतलब कि अगर आपने 6 महीने पहले कोई शेयर खरीद रखा है, ठीक है, ज़्यादा होनी चाहिए होल्डिंग्स की भी, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है, आई थिंक 10,000 से ज़्यादा की होल्डिंग्स, या फिर मैं एग्जैक्टली अभी मेरे माइंड में नहीं है, ठीक है, तो होल्डिंग्स की भी यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है। जब आप अपलोड करने के लिए जाओगे तो आगे आपको बता देगा कि कितना। अगर होल्डिंग्स भी आपके पास नहीं है क्योंकि आपने न्यू डीमैट अकाउंट ओपन किया है, तो आपके पास सैलरी स्लिप होगी अगर आप जॉब करते हैं, तो सैलरी स्लिप का आप फोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर सैलरी स्लिप भी नहीं है तो आपने पहले से कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो उसका प्रूफ होगा कि देखो हमारे पास पैसा तो है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो आप वो यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब दोस्तों इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है बैंक फिक्स डिपॉजिट की रिसिप्ट, मतलब कि अगर आपकी कोई FD चल रही है तो आप FD के यहाँ पर स्टेटमेंट लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आपकी इनकम होती है तो आप शायद टैक्स भी भरते होंगे, ठीक है, तो आप ITR का इधर अक्नॉलेजमेंट लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो इधर ये टैक्स से रिलेटेड ही है फॉर्म 16, आप इसको भी अपलोड कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये तो मैंने आपको एंजल वन के अकॉर्डिंग बता दिया। और दोस्तों अब हम देखने वाले हैं आपके स्टॉक के अकॉर्डिंग कि अगर हमारा डीमैट अकाउंट आपके स्टॉक्स में है तब हमको क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा। तो हमें यहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए जाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट। अब दोस्तों ये यहाँ पर डेरिवेटिव्स वाला आप करना चाहते हैं या फिर कमोडिटी, तो इसमें अलग अलग है, उसमें एक साथ हो रहे थे, इसमें आपको अलग अलग करने पड़ेंगे। तो अभी हम यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट मतलब कि डेरिवेटिव्स वाले को एक्टिवेट करने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें भी हमें यहाँ पर ये कुछ प्रूफ दिखा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ऊपर इसमें बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट मांग रही है 6 मंथ की, तो ये तो आपके पास है नहीं, तो सैलरी स्लिप 3 मंथ की आप अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर PDF में बना के आपको अपलोड करनी पड़ेगी। इसके बाद आप ITR का फॉर्म है उसको अपलोड कर सकते हैं, फाइनेंशियली ईयर 2022 से 23 का, ठीक है। 23-24 अभी चल रहा है, तो आपके पास जो प्रीवियस ईयर का है आप उसको अपलोड करिए। हर वो भी नहीं है तो DP होल्डिंग्स मतलब कि अगर आपने कोई पहले से शेयर ले रखे हैं वो, अगर वो भी नहीं है तो फॉर्म 16B, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अब हम जानने वाले हैं धन डीमैट अकाउंट के अकॉर्डिंग कि अगर हम धन में फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट करने के लिए जाते हैं तब हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर आ गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अपलोड इनकम प्रूफ के लिए हमें बैंक अकाउंट स्टेटमेंट सजेस्ट कर रहा है, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जो बैंक अकाउंट मैंने धन एप्लीकेशन में लगाया है उसी अकाउंट की स्टेटमेंट होनी चाहिए। और एटलीस्ट मतलब कि 6 महीने में आपने कोई भी ट्रांजेक्शन उसमें 10,000 रुपये से ज़्यादा का किया हो तो ही वैलिड है। अगर आपने कभी 100 रुपये 500 रुपये ऐसे आप खेलते रहे तो वो नहीं चलेगा, तो 10,000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। अगर आपके पास बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट नहीं है तो इसको आप यहाँ से अनटिक कर देंगे। तो नीचे इसमें आपको ऑप्शन दिखेगा और सो अदर एलिजिबल डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब इसमें आप सैलरी स्लिप अपलोड कर सकते हैं, तो सैलरी स्लिप के लिए हम यहाँ पर मोर पर क्लिक करके देख लेते हैं। तो 2 महीने से पुरानी आपकी सैलरी स्लिप नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास लास्ट मंथ की है तो अपलोड कर दीजिए, उससे पहले की है तो अपलोड कर दीजिए, लेकिन 2 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप महीने में कौन सी डेट को फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट इनेबल करने के लिए जा रहे हैं। और दूसरी बात कि आपकी जो सैलरी है तो मंथली 10,000 से प्लस होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है तो इधर आप इनकम टैक्स या फिर बैंक की पासबुक भी अपलोड कर सकते हैं लास्ट 3 मंथ की। इनकम टैक्स के बारे में हम एक बार जान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि इनकम टैक्स की वैल्यू मतलब कि एनुअल है तो 1,20,000 रुपये होनी चाहिए, और यहाँ पर लास्ट असेसमेंट ईयर का होना चाहिए, मतलब कि प्रीवियस पहले का नहीं होना चाहिए, 2 साल पुराना या फिर 1 साल पुराना, लास्ट का होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप पासबुक अपलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पर पासबुक का भी हम देख लेते हैं। और दोस्तों अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है पासबुक का, जो कि 3 मंथ की होनी चाहिए। हम इस पर एक बार डिटेल देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि लेटेस्ट मंथ की चलेगी, और कम से कम आपने 10,000 अपने डीमैट अकाउंट में ऐड किया है ऐसा वहाँ पर दिखना चाहिए। तो दोस्तों धन डीमैट अकाउंट में आपको कुछ कम ऑप्शन मिल रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपका जीरोधा में डीमैट अकाउंट है, आपका 5paisa में, आपका ICICI डायरेक्ट में है, या फिर आपका किसी भी कंपनी में है, तो आप उसका जाके देख सकते हैं कि वहाँ पर ऑप्शन क्या है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के, अगर आपके पास स्टेटमेंट नहीं है तो। और दोस्तों आप कौन सी कंपनी में फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट इनेबल करने के लिए जा रहे हैं, अगर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कमेंट में भी रिप्लाई दे देता हूँ, और टॉपिक होता है कि इस पर मैं वीडियो भी बना सकूँ तो उस पर मैं वीडियो भी बना देता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।